अच्छा जी, हमारे EI सॉफ्ट के मोअज़्ज़ज़ एम्प्लॉइज़, ये छोटा सा सेशन रखा गया है क्योंकि छोटे छोटे से इश्यूज कुछ लोगों को आ रहे थे गिट के अंदर, तो हम इसमें गिट को थोड़े से वही एक्चुअली छोटे छोटे से इश्यूज को हम टैकल करते हुए चलेंगे, लेकिन फ्रॉम स्क्रैच हम देख लेते हैं चीज़ों को। किसी का कोई सवाल होगा तो आप वो बीच में पूछ सकते हैं। अच्छा, आइंदा भी हम इस तरह के सेशंस यहाँ रखते रहेंगे कि जिसमें भी, क्योंकि यार हर बंदा सीखता रहता है, मैं आज भी सीखता हूँ चीज़ें, तो मुझे अगर कोई चीज़ नहीं आती होगी तो मैं वो आप लोगों को यहाँ बिठा के आपसे सेशन करवा के मैं सीख लूँगा, तो एक दूसरे को सिखाते हुए ना, और हम इस तरह चलेंगे। अच्छा, ये सेशन मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू मैं प्रोवाइड भी कर दूँगा, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। और बीच में किसी भी जगह पे कोई चीज़ समझना है तो आप मुझे वहीं पे रोक के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले github.com से, ठीक है। वेन एवर यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट ना, तो इट इज़ गुड आइडिया कि यू क्रिएट अ रिपोजिटरी। तो मैं यहाँ पे किस तरह चला गया, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक कर दिया और मैंने कह दिया कि यार यहाँ पे EAI सॉफ्ट और गिट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एक छोटी सी रिपोजिटरी मैंने बना दी और इस रिपोजिटरी को यहाँ पर अभी इस वक्त पब्लिक है ये बाय डिफ़ॉल्ट। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं या किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं तो वो प्राइवेट होगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये रिपोजिटरी आपको कोई प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बना के देता है, जैसे हमारे अनस भाई हैं तो वो आपको ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बना कर देते हैं, तो यू जस्ट क्लोन इट एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो मैं इसको प्राइवेट रख देता हूँ फिलहाल के लिए और क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें और भी कुछ डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं बट दैट इज़ नॉट रेलिवेंट अभी। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगर URL आ गया, इस URL के थ्रू मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लोन करूँगा। अच्छा, ऑन अदर एंड मेरे पास इसको डाउनलोड करने का भी एक ऑप्शन होता है, जो यहाँ पे भी सामने तो नहीं दिख रहा लेकिन वो एक्चुअली आ रहा होता है, डाउनलोड का भी एक ऑप्शन आ रहा होता है, बट हम इसको कभी भी डाउनलोड नहीं करते हैं। डाउनलोड ना करने का मेन रीज़न ये होता है कि जो है ना You can use this one. अच्छा, तो इसको मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करके भी इसको कॉपी कर सकता हूँ मैं। और कॉपी करने के बाद मैंने क्या करना है, अपनी मशीन में किसी भी जगह जाके इसको मैं क्लोन कर लूँगा, राइट। तो मैं अपने पास टर्मिनल खोल लेता हूँ। बाई डिफ़ॉल्ट जब टर्मिनल खुलता है तो ये इस वाले फोल्डर में होता है, जो अलिफ मद्दा इसको कह लें या हम कहते हैं इसको टिंडा टाइडल टिल्डा। अच्छा, इसको वैसे हाइफन कहता था मैं, लेकिन अनस भाई ने बताया इसको टिल्डा कहते हैं। वेल, तो ये लिनक्स में और मैक में क्या होता है कि वो होम, इसमें जैसे विंडोज़ में हमारे पास होता है CDE ड्राइव होता है, तो लिनक्स और मैक में क्या होता है, ड्राइव लेटर्स का हिसाब नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है कि पूरी ड्राइव को सिंगल ड्राइव लेटर के तौर पर ट्रीट करते हैं, और ये इसको हम होम डायरेक्टरी कह रहे होते हैं, ठीक है। विंडोज़ में भी ऑन अदर एंड होम डायरेक्टरी होती है वो, बट आपके वो नाम लिखा हुआ रहा होता है जब आप खोलते हैं तो, ठीक है। तो वेल, जहाँ पे भी आपने जाना है तो हम क्या करेंगे, हम इधर नहीं खोलेंगे, हम जाके किसी फोल्डर के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं। लेट से कि मैं इसको डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और डेस्कटॉप पे जाके जैसे मैंने कंपनी के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे भी टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करता हूँ, एक्चुअली मैंने वैसे तो शॉर्टकट एक सेट किया हुआ है, तो मैं शॉर्टकट प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है ना इसके, ठीक है, मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक शॉर्टकट सेट किया हुआ है, हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ खुल गया, बट वो शॉर्टकट एक्चुअली सेट करना पड़ता है तो फिर होता है। तो मैं दोनों पे, लिनक्स में कैसे खुलेगा इस फोल्डर के अंदर और विंडोज़ में कैसे खुलेगा, दोनों आपको बताता हूँ, फिर हम इसको सीधा सीधा लेके चलते हैं। अच्छा, तो एक्चुअली ये ओपन टर्मिनल और उसके अंदर CD करके, और फिर हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी डायरेक्टरी है उसको ऐसे यहाँ पर ड्रैग करना पड़ता है, एंड देन यू एंटर, तो आप कहाँ पर पहुँच जाते हैं, इस कंपनी के अंदर पहुँच जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे मतलब जिस फोल्डर में भी इसको हमने क्लोन करना है, हमारा उस फोल्डर में होना बड़ा ज़रूरी है, तो हम उस फोल्डर में होंगे तो फिर वहीं पर ये क्लोन होकर आएगा, ठीक है। और क्लोन में डाउनलोड में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे, वंस हम क्लोन करेंगे ना जब, तो हम इसमें देखेंगे कि अगर इसको हम प्लेन डाउनलोड करते तो ज़रा एक मुख्तलिफ तरीके से आता, बहुत सारे फ़ीचर ये लूज़ कर जाता, तो वो कौन से फ़ीचर है वो अभी देखते हैं। अच्छा, देन यही वाला काम मैं विंडोज़ में किस तरह करूँगा, मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, विंडोज़ मेरे पास मौजूद नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं, विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर लिखूंगा मैं यहाँ पे, और इमेजेस में जाऊंगा मैं, तो मेरे पास ये
विंडोज़ में इस तरह का एक्सप्लोरर बना हुआ होता है, तो जिस फोल्डर में भी इसको क्लोन करना है हमने, वहाँ पे हम जाएंगे उस फोल्डर के अंदर, और ये जो एड्रेस बार लिखा हुआ है एग्जैक्टली जिस जगह पे इसका एरो बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके मैं CMD लिखूँगा और एंटर करूँगा, तो उसी फोल्डर में ये कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर देता है। तो आप में से कोई एक बंदा इसको ओपन करके देखना चाहे भी राइट नाउ तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जब क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर आप कर दें हाँ, आप बल्कि अपनी स्क्रीन शेयर कर दें अनस भाई। अच्छा, तो ये हम टर्मिनल के अंदर आ गए, ठीक है जी। एंटायर स्क्रीन अगेन एंड शेयर। अच्छा, तो हम क्या आ गए, उस वाले टर्मिनल के अंदर हम आ गए जहाँ पे हमने गिट क्लोन की कमांड चलानी है। अच्छा, गिट क्लोन की कमांड चलाने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो तो ये कि आपकी मशीन में ना गिट इंस्टॉल होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अगर गिट इंस्टॉल नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा, गिट मिसाल के तौर पर विंडोज़ में वो बोलेगा कि गिट इज़ नॉट रिकग्नाइजर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। और विंडो मैक में और लिनक्स में क्या बोलता है वो ज़रा, मैक में लिनक्स में ये बोलेगा कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे गिट लिखता हूँ, माइनस माइनस वर्जन लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास वर्जन आ गया 2.410, ठीक है, क्योंकि मेरे पास गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। गिट इंस्टॉल करने के लिए मैं कहाँ जाना होता है, मैं सिर्फ गिट लिखता हूँ जाके गूगल पे, ठीक है, नॉट गिट हब, सिर्फ गिट लिखता हूँ मैं जाके गूगल पे, तो मेरे पास ये पहला लिंक आ जाता है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड फॉर मैक करके या डाउनलोड फॉर विंडोज़ करके इसको मैं अपनी मशीन में इंस्टॉल कर सकता हूँ। वंस जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको टर्मिनल के ऊपर गिट की जो कमांड है ना उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं गिट लिखूंगा यहाँ पे और एंटर करूँगा तो ये काफ़ी सारा कुछ यहाँ पर आ गया, ठीक है, जो कि पहले बोल रहा था कि कमांड नॉट फाउंड, वो अब कुछ ना कुछ आना शुरू हो गया। मैं गिट लिखूंगा, माइनस माइनस वर्जन लिखूंगा, तो मुझे यहाँ पे इसने वर्जन गिट का जो है ना शो कर दिया कि क्या इंस्टॉल है। मैं देख लेता हूँ कि वर्जन, अच्छा 2.42 आ चुका है, मेरे पास 2.41 इंस्टॉल है, बट नॉट अ बिग डील, इतना ज़्यादा पुराना नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसको मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, अगेन मैं क्लियर हो चुका हूँ। नाउ इट्स टाइम कि मैंने जो गिट हब के ऊपर रिपॉजिटरी एक बनाई थी उसको मैं क्या कर दूँ, अपने सिस्टम के अंदर, अपने इस फोल्डर के अंदर उसको मैं क्लोन कर दूँ। तो मैं लिखूँगा गिट क्लोन और वो वाला URL यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा जो मैंने कॉपी किया था, राइट। ये कौन सा URL है जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था, ये वाला URL है। अच्छा, जैसे ही मैं इस URL को गिट क्लोन करके एंटर हिट करूँगा तो कुछ चीज़ें होंगी आपके पास जो मेरे पास ऑब्वियसली अभी नहीं होने वाली हैं, लेकिन आपके पास ये होंगी। नंबर एक चीज़ ये होगी कि जैसे ही आप इसको हिट करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड इसलिए मांगेगा क्योंकि आपको जो रिपॉजिटरी दी गई है वो ऑब्वियसली प्राइवेट रिपॉजिटरी होगी अगर आप किसी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, तो वो जो भी आपकी जो पासवर्ड होगा पहली दफ़ा आपसे वो मांगेगा, ठीक है। तो वो उसके लिए पॉपअप एक खुलता है। अच्छा, उसके अंदर एक बात मैं और बताता चलूँ कि अगर आपके पास विंडोज़ पुरानी है, यानी कि 22H2 जो है इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ 10 का, तो 22H2 से जो पुरानी विंडोज़ है अगर वो आपके पास होगी ना, तो ये क्रेडेंशियल मैनेजर उसके अंदर नहीं होता, वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो क्रेडेंशियल मैनेजर के अंदर क्योंकि वो जाके सेव हो रहा होता है, और एक वो पॉपअप खुलता है छोटा सा, अगर मैं आपको विंडो इसके इमेजेस पे दिखा पाऊँ, गिट हब क्रेडेंशियल मैनेजर, तो वो क्रेडेंशियल प्रॉम्प्ट अगर मैं लिखूँ तो शायद आ जाएगा ये, ठीक है, कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट आपके पास खुलेगा, ठीक है। जैसे ही आप पहली दफ़ा इसको क्लोन की कमांड चलाएंगे, क्योंकि मैंने वो एक दफ़ा डाल दिया उसमें पासवर्ड, तो इसलिए मुझसे दोबारा नहीं मांग रहा क्योंकि वो मेरा ही अकाउंट है। अच्छा, तो आपसे ना ये इस तरह से पासवर्ड मांगेगा फर्स्ट टाइम जब आप उसको क्लोन करेंगे या कोई भी प्राइवेट एक्टिविटी आप करेंगे। ये पासवर्ड जब आप वंस एंटर कर देंगे तो ये कहाँ जाके सेव हो जाएगा, ये क्रेडेंशियल मैनेजर में जाके सेव हो जाएगा। विंडोज़ के अंदर एक चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडेंशियल मैनेजर, सही है। क्रेडेंशियल मैनेजर कुछ इस तरह का दिखता है, कंट्रोल पैनल के अंदर होता है इस तरह का। तो यहाँ पे वो सारे के सारे पासवर्ड्स जो है ना वो सेव हो जाते हैं जो जो आप एंटर करते हैं। अच्छा, अगर आप लिनक्स या मैक के ऊपर हैं तो लिनक्स मैक के ऊपर होता है कीचेन,
ठीक है, की चेन कैसा दिखता है? मैं एक्चुअली अपना की चेन इस वक्त नहीं खोल रहा क्योंकि वो उसमें वो पासवर्ड्स होते हैं। की चेन ऐप, ठीक है, तो कुछ इस तरह का उसका मुंह दिखता है और इस तरह से उसमें पासवर्ड्स दिख रहे होते हैं। तो लिनक्स और मैक के अंदर ना की चेन या की रिंग होता है, आई थिंक लिनक्स में की रिंग नाम रखते हैं, मैक में की चेन है, तो यहाँ पे वो पासवर्ड जाके सेव हो जाता है। तो ये बताने का मेन मकसद ये था कि सम टाइम वंस आप कर लेते हैं लॉगिन अपने पर्सनल अकाउंट से, फिर आपको जब ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट पर मूव करना पड़ता है ना, तो वो ना पुल होता है, ना पुश होता है, ना क्लोन होता है। वो कहता है यार 403 यू डोंट हैव एक्सेस। तो एक्चुअली फिर आपको क्या करना होता है कि क्रेडेंशियल मैनेजर में जाके जो पासवर्ड आप पहले से एंटर कर चुके हैं उसको रिमूव करना होता है, एंड देन वो क्या करता है, वो फिर से प्रॉम्प्ट मांग लेता है आपसे। ठीक है, तो ये एक बड़ा रहता है। अच्छा, इन्होंने ये पिछले ही दिनों किया है, पहले क्या होता था कि हर दफ़ा पासवर्ड मांगते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब ये टोकन बेस पे चले गए हैं, 13 अगस्त को इन्होंने वो चेंज किया है। तो वो टोकन बेस पे जाने के बाद ना ये इश्यूज बहुत ज़्यादा फेस किए हैं डेवलपर्स ने, तो इसलिए मैं इस पे एम्फेसाइज किया मैंने। अच्छा वेल, तो ये सारा कुछ वंस हो जाएगा तो आपके पास ये एम्प्टी रिपोजिटरी क्लोन लिखा हुआ आ गया कि जी ये रिपोजिटरी क्या हो चुकी है, आपके पास क्लोन हो चुकी है सक्सेसफुली। अच्छा, क्लोन होने के बाद जब मैं उस फोल्डर में जाके देखूंगा, ये मेरे पास वो फोल्डर मौजूद है, तो यहाँ पे आप देखें ये जो मैंने जिस नाम से रिपोजिटरी बनाई थी ना, उस नाम से एक फोल्डर बन के आ चुका है। अपेरेंटली ये फोल्डर खाली है, बट ये फोल्डर खाली नहीं है। अगर मैं इसमें हिडन फाइल्स को शो करूंगा, ठीक है, जिसका शॉर्टकट मैक के अंदर एक कमांड शिफ्ट डॉट है, और विंडोज़ के अंदर क्या होता है, व्यू में जाके वो हिडन फाइल शो करना पड़ता है। तो आप देखेंगे इसके पास छोटी सी ना गिट की एक फाइल, एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है डॉट गिट। अब ये जो डॉट गिट का फोल्डर है ना, इसके अंदर ये बहुत कुछ रख रहा होता है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपने इस फोल्डर को छेड़ना नहीं है, ना आपने इस फोल्डर को रीनेम करना है, ना आपने इसको डिलीट करना है, ना आपने इसके अंदर जाके कोई चेंजेस करनी है। ये जो फोल्डर है, ये दिस फोल्डर इज़ मैनेज्ड बाय गिट, जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है ना गिट, तो उसके ज़रिए उसको मैनेज किया जा रहा है। अगर आपने हाथ से जाके इसमें कोई भी चेंजेस की तो ये सब गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है, और वो करप्ट हो जाएगा ये फोल्डर, और अल्टीमेटली क्या होगा, या तो आपको नया क्लोन लेना पड़ेगा या तो समहाउ आपको इसको रीस्टोर करना पड़ेगा जैसा ये पहले था। अच्छा, अब हमारे पास ये जो गिट की रिपॉजिटरी है एम्प्टी, इसको मैं अभी चाहता हूँ कि मैं किसी कोड एडिटर में ओपन कर लूँ, क्योंकि मोस्टली जो कोडिंग हो रही होती है वो किसी ना किसी एडिटर में हो रही होती है। तो हमारे पास हम इसको कैसे हम किसी में कोड में एडिटर में ओपन कर सकते हैं, मैं ऑब्वियसली इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा, ठीक है, जहाँ पे ये गिट लिखा हुआ है इस जगह पे, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, टर्मिनल ये देखें, इसके अंदर टर्मिनल ओपन हुआ है, ये आपने मेक श्योर करना है कि आप इसके अंदर खड़े हैं टर्मिनल के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, ये कोड स्पेस डॉट किया है, वीएस कोड को ओपन करने का ये शॉर्टकट है। ठीक है, अगर ये कोड स्पेस डॉट आप लिखते हैं और आपके पास वीएस कोड ओपन नहीं होता है, तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो आपके पास वीएस कोड का कोड एडिटर इंस्टॉल नहीं है, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो पाथ पे सेट नहीं है। ठीक है, तो दोनों को आप गूगल करके इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो गया, वीएस कोड का जो कोड एडिटर था वो ओपन हो गया। अच्छा, सॉरी, मैं म्यूट हूँ, यस, मैं रिकॉर्डिंग मैं कर लेता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे पास हो रही है, जी जी ऑडियो भी हो रही है। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पे जो रिपॉजिटरी मैंने अभी अभी क्लोन की है, वो रिपॉजिटरी मेरे वी एस कोड के एडिटर में ओपन हो चुकी है। यहाँ पे ओपन होने के बाद जो सबसे पहला काम ये होता है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके मैं गिटहब में वापस पुश कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी पहली फ़ाइल, जो कि मैं कह देता हूँ कि माई फर्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, ये मैंने एक फ़र्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली। ऑब्वियसली जब आप कोडिंग कर रहे होंगे तो टेक्स्ट फाइल नहीं होगी वो, अगर आप जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं या फ्लटर में कर रहे हैं तो वो उसकी फ़ाइल होगी होपफुली, या पाइथन की फाइल होगी इसमें, या कोई यहाँ पे अगर जैसे हमारे पास डेटा स्क्रैप करने वाले दोस्त अवेलेबल हैं तो जो स्क्रैपिंग कर रहे हैं आप, वो इसके अंदर CSV फाइल होगी या JSON फाइल होगी। तो वो किसी भी किस्म की फ़ाइल हो, GitHub के अंदर या गिट के अंदर आप किसी भी किस्म की फ़ाइल को डाल सकते हैं, चाहे वो बाइनरी फाइल हो, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो। ठीक है, एक्चुअली JS और पाइथन की जितनी भी फाइल्स बनती हैं वो सारी टेक्स्ट बेस्ड फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो सब इसके अंदर डाल सकते हैं आप। GitHub ऑन अदर हैंड, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें ये समझना ज़रूरी है कि गिट और GitHub में ना डिफरेंस है। गिट एक टूल है जो आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाता है, एक सॉफ्टवेयर है। GitHub.com ऑन अदर हैंड एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, GitHub.com क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर, ये सोशल मीडिया किन लोगों के लिए, डेवलपर्स का सोशल मीडिया। अच्छा, जिसमें मेनली लोग एक दूसरे का कोड देखने, उस पर कॉमेंट करने, उसको लाइक करने आते हैं। अच्छा, GitHub.com के अंदर जो कॉमेंट होता है उसको वो कहते हैं इशू, और जो शेयर होता है उसको वो कहते हैं फोर्क। अच्छा, और जो लाइक होता है उसको वो कहते हैं स्टार,
तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है असल में ये, तो लोग एक दूसरे का कोड देखने आते हैं। तो github.com ऑन अदर हैंड, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और आप अपना कोड उस पर पब्लिश करते हैं, फेसबुक पे हम फोटो या वीडियोस पब्लिश करते हैं, तो github.com पे अपना कोड पब्लिश करते हैं, तो वो हमें कुछ लिमिटेशंस देता है। वो कहता है कि यार सिंगल फाइल ना 100 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो कोई फाइल अगर आपने 100 MB से ज़्यादा की बनाई है तो GitHub उसको अलाउ नहीं करता पब्लिश करना। गिट को ऑन अदर एंड खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि कोई बड़ी फाइल अगर आप बना रहे हैं तो उसको आप 100 MB के चंक्स में बनाएं। अच्छा, ओवरऑल भी एक लिमिट आई थिंक वो पता नहीं 5 GB की लिमिट है शायद पर रिपोजिटरी, तो वो 100 के चंक्स में भी शायद 5 GB तक रोक देता है आपको। ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक अलग सर्विस बनाई हुई है, दैट इज़ कॉल्ड GitHub LF। तो उसके अंदर वो 100 GB तक शायद अलाउ करता है, और सिंगल फाइल उसके अंदर वो 1 GB तक की अलाउ करता है। इस तरह का कुछ चक्कर है। वेल, वो पेड है, वो फ्री वाले में नहीं होता। अच्छा, एक और भी यहाँ पे बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि अगर आप गिट के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं तो आप github.com पे ही पुश करें। github.com के अलावा कई और ऐसे गिट की होस्टिंग एक्चुअली इसको कहते हैं, तो गिट की कई और होस्टिंग अवेलेबल है, जिसमें बिट बकेट है, जीरा वालों का भी एक था शायद, माइक्रोसॉफ्ट का भी एक अपना है, गूगल का भी एक अपना है, अभी AWS वालों ने भी बना लिया अपना। ठीक है, और इन हाउस सर्वर भी इसका हो सकता है। इन हाउस सर्वर में क्या होता है कि जी, जो मैंने ये क्लोन का यहाँ पे से लिंक कॉपी किया था ना, ये क्लोन वाला जो लिंक है, तो इसमें वो होता है कि जी HTTPS और लोकल होस्ट यानी 192.168 कोई IP होती लोकल, और उसके बाद ऐसे लगा होता है। ठीक है, तो ये इन हाउस भी हो सकता है। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप हमेशा जो है ना वो किसी क्लाउड पे ही होस्ट करेंगे, तो जो भी होस्टिंग आपको बना के दे दे वहाँ पे आप होस्ट कर सकते हैं। वेल, तो यहाँ पे अल्टीमेटली हुआ ये कि हमने एक फ़ाइल बना ली, फाइल के बारे में मैंने कुछ बात बता दी। अच्छा, इसमें मैं कह देता हूँ कि यार सम कोड इन माई फाइल। ठीक है, कुछ कोड मैंने अपनी फाइल में यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने इसको क्या करना है, वापस से github.com पे पुश करना है। अच्छा, github.com पे पुश करने के लिए 3 कमांड्स हैं। नंबर एक कमांड है गिट एड डॉट। ठीक है, गिट ऐड का मतलब है कि मैं इन तमाम फाइलों को भेजना चाह रहा हूँ। अच्छा, गिट ऐड की कमांड इस वजह से है, समटाइम आपके पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मल्टीपल फाइल बना लेता हूँ, बट मैं एक को पुश करना चाह रहा हूँ सिर्फ, तो मैं फिर डॉट नहीं लिखूँगा। डॉट का मतलब होता है सारी, फिर मैं लिखूँगा ./ और इस फाइल का नाम लिखूँगा मैं। क्या हो रहा है ये, गिट ऐड ./, पता नहीं ये सजेशन में आ नहीं रहा, आई एम नॉट श्योर वाई। अच्छा, मैं यहाँ से पूरा का पूरा नाम कॉपी कर लेता हूँ। इसको वैसे टैब दबाने से ना सजेशन में आ जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगा। अभी आप एक चीज़ और नोट करें, VS कोड में भी ना इन्होंने इसको यू लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है अनट्रैक्ड। इसका मतलब है ये फाइल अभी अभी बनी है, अभी ये गिट में शामिल नहीं हुई। तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा ना, तो ये इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, ये अनट्रैक से क्या हो जाएगी, चेंज हो के ए लिखा हुआ आ गया इसके ऊपर। ए मीन्स आई थिंक एडेड, एडेड है, सही है। ए मीन्स जो है वो एडेड हो चुकी है ये, बट अभी तक ये पुश नहीं हुई है फाइल, राइट। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों फाइल्स को ऐड नहीं किया, एक को ऐड किया। अच्छा, उसके बाद क्या करना होता है मुझे, गिट कमिट -m और उसके साथ एक मैसेज लिखना होता है कि अच्छा ये मैसेज हम जो लिख रहे हैं और ये जो कमिट कर रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये फला चीज़ ये है, फला बोल रहा हूँ। मैंने मज़ीद कुछ काम किया, अभी मैं एक्चुअली कमिट नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा इसको और एलेबरेट करने के लिए इसको मज़ीद कुछ कर रहा हूँ। मैंने एक और फ़ाइल बना ली, ठीक है, एंड दैट फाइल इज़ कॉल्ड myfile1.txt। ठीक है, ये दो फाइल बना ली मैंने, तो मैं अभी मैंने एक को ऐड किया था, मैं दूसरे को भी ऐड कर सकता हूँ। मैंने कहा myfile1.txt, तो मैंने दो फाइलों को ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैंने करना है कमिट। कमिट का मतलब ये होता है कि यार जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो कोई एक फीचर जो आप बना रहे हो, जैसे आप लॉगिन का पेज बना रहे हो, या जैसे आप फ्लटर में फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन बना रहे हो आप, तो एक फीचर जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो यू आर सपोज टू मेक अ कमिट। अच्छा, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यार आई हैव क्रिएटेड 2 फाइल्स और मैंने इसको कमिट कर दिया। अच्छा, कमिट करते हुए ये आपका सक्सेसफुल मैसेज आएगा, लेकिन आपके पास पहली दफ़ा ये मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, आपके पास आएगा एरर। वो एरर क्यों आएगा वो बताता हूँ मैं। अच्छा, तो कमिट करने का पहले तो मकसद हम समझ लेंगे, हम करते क्यों हैं। कमिट का मतलब ये होता है कि एक फ़ीचर को मैं कर रहा था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक माइलस्टोन बनाना चाहता हूँ।
ठीक है, कि जी यहाँ पे एक मेरा माइलस्टोन हो गया, मैं यहाँ पे इस जगह को मार्क करना चाहता हूँ कि अच्छा जी यहाँ तक का काम मैंने कर लिया है। ठीक है, कमिट करने का बेनिफिट ये होता है कि हम हिस्ट्री में पीछे आ सकते हैं। ठीक है, जिस सीक्वेंस से हमने कमिट किया और जिस सीक्वेंस से हमने फाइल में चेंजेस किए हैं उसी सीक्वेंस में मैं पीछे आ सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं डेली मिसाल के तौर पे 2 या 3 कमिट कर रहा हूँ, 2 या 3 फीचर करता हूँ, कमिट कर देता हूँ, तो मैं अगर अपनी कोड को हिस्ट्री में पीछे जाके देखना चाहता हूँ कि फला कमिट में फला डेट को मेरा कोड कैसा था, तो मैं उसको ब्राउज कर सकता हूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर। और ये बहुत ही यूज़फुल रहता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर, कि समटाइम क्या होता है आपके कोड के अंदर ना एक सर्टन टाइप का एरर आना शुरू हो जाता है। ये मेरे साथ खुद कई दफ़ा हुआ है कि जी मेरा बिल्कुल सही चल रहा था कोड, और एक दिन अचानक जो है ना क्या हुआ कि कोई एक की जो है वो चेंज आना शुरू हो गई। अब वो चेंज किसकी गलती की वजह से हुआ, क्या वो मैंने मिस्टेक की थी कोई, या वो मिस्टेक कितने पीछे से आ रही है, कब हुई वो मिस्टेक, तो उसको ट्रैक डाउन करने के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो मैं क्या, अभी वो भी हम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, आई एम नॉट श्योर कि आज हमारे पास टाइम होगा, मे बी हम एक और सेशन कर लें, तो उसको ट्रैक डाउन किस तरह करते हैं हम, कि वो कमिट में हम एक एक करके पीछे जाते हैं और हम कोड को अपने टेस्ट करते जाते हैं, या हम जो कोई एक चेंज होता है कि तो हिस्ट्री में जब मैं पीछे जाना शुरू करता हूँ तो किसी ना किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना वो फीचर सही चल रहा होता है, तो वहाँ से हम उसको ट्रैक डाउन कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ चेंज हुई थी जिसकी वजह से एरर आना शुरू हो गया। अच्छा, कोड बेस हमारा ज़ाहिर है छोटा तो नहीं होता, हज़ारों लाखों लाइन ऑफ कोड का हो सकता है कोड बेस। अगर एक प्रोजेक्ट पे 6 महीने से काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाखों लाइन ऑफ कोड पे, तो उसके अंदर किसी एरर को तलाश करना जो है ना बहुत मुश्किल काम होता है अगर हमारे पास ये चीज़ ना हो तो। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कोई फीचर इंप्लीमेंट करूँ, कंप्लीट हो जाए कोई काम, तो उसको एक कमिट बना के उसको मैं यहाँ पे माइलस्टोन कर दूँ। अच्छा, जब आप पहली दफ़ा ये गिट कमिट की कमांड चलाएंगे तो आपके पास आएगा एरर। एरर क्या आएगा, वो कहेगा यार हु यू आर, इस तरह से एरर देगा आपको। अच्छा, वो एरर का हम अगर मैसेज देख पाएँ, गिट कमिट हु यू आर। अच्छा, तो किस इस तरह से वो एरर आपके पास आएगा, नॉट दिस वन, एक्चुअली नॉट दिस वन, ये वाला। जैसे ही आप गिट कमिट की कमांड चलाएंगे ना, गिट कमिट की कमांड चलाएंगे तो ये कहेगा कि प्लीज़ टेल मी हु यू आर, और कहेगा कि गिट कॉन्फिग -- ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, और ऐसे करके आप अपना ईमेल बताओ। अच्छा, ये कौन पूछ रहा है आपसे, ये गिट हब नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है आपसे गिट, जो आपके लोकल मशीन के अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है गिट, ये वो आपसे पूछ रहा है कि जी, क्योंकि गिट हब में तो जब मैं पब्लिश करूँगा, जबकि बात है ना, अभी तो मेरे गिट मेरी मशीन के अंदर चल रही है, तो ये कहता है कि यार अपना ईमेल पासवर्ड बता दो, क्योंकि जो डिफरेंट लोग ज़ाहिर है कमिट कर रहे होते हैं तो हर किसी का एक नाम होना चाहिए, तो यूनिकली उसको आइडेंटिटी, जैसे मिसाल के तौर पर 4 लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वो कमिट्स तो हैं इतनी सारी, 200 कमिट्स में, लेकिन कौन उस कमिट को कर रहा है उसका नाम साथ में मेंशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप अपनी सही सही ईमेल और नाम यहाँ पे आप लगा देंगे, और अल्टीमेटली जब इसको पुश करते हैं आप तो github.com पे भी ये एज अ एक्टिविटी उसी ईमेल पर रिफ्लेक्ट होता है जो यहाँ लगी हुई होती है। अच्छा, तो ये कमांड जो है ना, ये पूरी, ये 2 कमांड्स हैं एक्चुअली, ये 2 लाइंस हैं, तो इन दोनों लाइंस को कॉपी करके ना एज इट इज़ आपने रन करना होता है फर्स्ट टाइम, और इसकी ईमेल की जगह अपनी ईमेल और इसके नाम की जगह अपना नाम लिखना होता है। तो जैसे ही आप ये चला देंगे ना, तो फिर आपको क्या करेगा वो, उसको पता लग जाएगा कि आप कौन है, एंड देन आपको ये कमिट वाली कमांड दोबारा चलानी होगी। दोबारा इसलिए चलानी होगी कि जो पहले चलाई थी वो तो फेल हो गई, उसने कहा हु यू आर तो उसने कमिट, तो वो दोबारा आपको चलानी होगी, एंड देन आपके पास होपफुली इस तरह का एक मैसेज आएगा जिसमें आपको ये बता रहा होगा कि 2 फाइल्स चेंज हुई है, उसमें 2 लाइन की इंसर्शन हुई है, यानी 2 लाइन का कुछ कोड था जो उसमें हुआ है, और यहाँ पे ना ये क्रिएट मॉड करके दोनों फाइलों का नाम इसने बता दिया कि भाई ये 2 फाइलें यहाँ पे क्या हो गई हैं, क्रिएट हो गई हैं। अच्छा, तो मैंने अभी तक क्या कर लिया, मैंने github.com पे एक रिपॉजिटरी बना ली है, उसको क्लोन करके अपनी मशीन में ले आया हूँ, उसके अंदर एक फ़ाइल छोटी सी क्रिएट कर दी है, उसको ऐड कर दिया है, उसको कमिट कर दिया है, एंड देन अब इसको मैंने वापस github.com पे पुश करना है। अब ये याद रखेंगे, जब तक आप कमिट नहीं बनाते हैं github के ऊपर पुश नहीं कर सकते, क्योंकि github के ऊपर जो पुश होती है ना चीज़, वो कमिट्स पुश होती हैं। 2 कमिट है तो 2 पुश हो जाएगी, 4 होगी तो 4 कमिट पुश हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा git push और एंटर कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, github.com पे पुश हो जाएगा। अच्छा, गिट पुश पे भी मे बी आपसे वो पासवर्ड मांग ले दोबारा, जो गिट क्लोन पे मांगा था, मे बी दोबारा मांग ले, क्योंकि सम टाइम क्या होता है क्रेडेंशियल मैनेजर सही तरह से कन्फिगर नहीं होता, या लिनक्स के केस में उसको एक्सेस नहीं मिल रहा होता अगर उसका, तो वो दोबारा मांग लेता है। ठीक है, तो मे बी उस केस में आप सूडो करके चलाएं उसको, तो उसको की चेन का एक्सेस मिल जाएगा। हर दफ़ा मांगता है ना, हाँ,
तो लिनक्स के अंदर और मैक के अंदर अक्सर ये इशू रहता है कि वो पुश करते हुए उसको ना कीचेन का एक्सेस नहीं मिलता, तो वो सूडो करके चला दें तो उसको मिल जाएगा एक्सेस। हाँ विंडोज़ के ऊपर रन एज एडमिन, राइट, करेक्ट। अच्छा, जैसे ही मैंने गिट पुश की कमांड चलाई है तो आप ये देखें इसने क्या किया है, कुछ मुझे बातें बताई हैं। उसमें क्या क्या बातें कि भाई 100% इसने पुश कर दिया है, और क्या बता रहा है ये, उसके अलावा ये वो URL बता रहा है जिस होस्ट पे इसने पुश किया, राइट। ये रिमोट URL भी इसको कहते हैं, इसको होस्ट URL भी कहते हैं, इसको GitHub की रिपोजिटरी भी कहते हैं, रिमोट रिपोजिटरी, इसके एक ही चीज़ को थोड़े थोड़े डिफरेंट नाम बोलते हैं लोग। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना वो आपको ये देख के पता लग रहा है कि किधर पुश हुआ है। समटाइम ऐसा होता है ना कि आपको पता नहीं लगता है पुश कहाँ हुआ है, तो वो यहाँ पे बता रहा होता है कि भाई किधर पुश हुआ है। प्लस यहाँ पे इसने न्यू ब्रांच बनाई है, न्यू ब्रांच इसलिए बनाई है कि गिटहब की रिपॉजिटरी जो होती है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रांच होना ज़रूरी है, तो हमने क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू रिपॉजिटरी बनाई थी उसमें कोई ब्रांच नहीं थी, तो इसने मेन के नाम से एक नई ब्रांच खुद से बना दी है। हम मल्टीपल ब्रांचेस भी बना सकते हैं, मगर हम वो क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी हम वापस चल के देख लेते हैं कि वो github.com पे ये पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया। यहाँ पे जाता हूँ मैं अपनी रिपॉजिटरी के अंदर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ये वाली दोनों फाइलें मुझे नज़र आ गई हैं। ये जो दोनों फाइलें हैं ये वो फाइलें जिनको मैंने ऐड किया था, जिन फाइल को मैंने ऐड नहीं किया था जैसे कि ये वाली, ये अभी भी यहीं पर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या काम हो गया कि जी एक रिपॉजिटरी को क्लोन करना, उसमें कुछ चेंजेस करना और वापस github.com पे पुश करना उसको। अच्छा, यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। कमिट से पहले ऐड करना ज़रूरी है। अच्छा, कमिट की एक कमांड ऐसी भी है, वो माइनस ए करके लगाते हैं ना, गिट कमिट माइनस ए करके हम करते हैं तो वो कमिट खुद से कर देता है। अच्छा, वेल यहाँ तक तो चलो बात हो गई, आपका सवाल ये बहुत अच्छा है, इसी पे आगे बात हो रही है अभी कि क्या ऐड करना ज़रूरी है। हम आम तौर पे ये काम टर्मिनल से नहीं करते हैं, मैं पर्सनली ये काम टर्मिनल से नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं टर्मिनल से कौन सा काम करता हूँ, जो गिट क्लोन वाला काम है ना सिर्फ, तो वो आई लाइक टू डू दैट विद टर्मिनल, बट जो बाकी का जितना भी मैंने काम किया गिट क्लोन के बाद, वो सारा का सारा काम मैं गिटहब डॉट ये टर्मिनल के ऊपर नहीं करता हूँ। वो मैं काम कैसे करता हूँ, वो मैं करता हूँ स्मार्ट गिट से, ठीक है। वेल, अभी यहाँ पे एक चीज़ मैंने करनी है, मिसाल के तौर पे अभी ये फ़ाइल है, इसको मैं फ़ाइल के नाम को ही बल्कि चेंज कर देता हूँ, credentials.txt। अब मैंने यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ रखी है जो credentials है, मेरे सीक्रेट चीज़ है, ठीक है, सीक्रेट credential, सही। अब सीक्रेट credential.txt है। अब ये तो जब भी मैं क्या करूँगा, गिट ऐड करूँगा या टर्मिनल से या किसी और तरीके से, तो वो तो ऐड होने का चांस है, गिटहब में पुश होने का चांस है उसका। तो अब मैंने करना ये है कि मैंने इसको इग्नोर करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, गिट इग्नोर की एक फ़ाइल बनानी थी, डॉट गिट इग्नोर एंटर, ठीक है। अच्छा, ये आप नोट करें, इस फाइल का कोई एक्सटेंशन नहीं है, ये डॉट गिट इग्नोर पूरा इसका कंप्लीट नाम है, ठीक है। ये VS Code से तो मैंने बड़े आसानी से बना लिया, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट विंडोज़ के एक्सप्लोरर से बनाते हैं तो थोड़ी सी ये डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो लिहाजा उसमें क्या होता है कि आपको वो व्यू में जाके शो नेम एक्सटेंशन करके ना फिर उसको आपने रीनेम करना होता है, और वंस वो देखता है जब आप इसका एक्सटेंशन चेंज कर रहे हैं तो आपको एक वार्निंग भी देता है कि भाई आर यू श्योर टू चेंज द एक्सटेंशन, तो आप उसको यस करते हैं तो वो एक्सटेंशन फिर जाके चेंज होता है। तो ये मैंने गिट इग्नोर की फ़ाइल बनाई है, इस फाइल के अंदर मैं जस्ट क्या करूँगा, उस फाइल का या उस फोल्डर का नाम लिख दूंगा जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि github.com पे कभी भी पुश ना हो। जैसे मैं अभी बैकएंड का कोड लिख रहा हूँ तो इसमें .env की एक फ़ाइल होती है, तो उसके बारे में मैं ये चाहता हूँ कि वो कभी भी github.com पे पुश ना हो, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास एक app.yaml की फ़ाइल होती है सर्वर के ऊपर, जो डिप्लॉयमेंट की उसमें कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो app.yaml की फ़ाइल में कभी भी पुश नहीं करना चाहता, ठीक है। इसी तरह जो आप कुछ चीज़ें स्क्रैप कर रहे हैं डेटा, तो उसमें आप जो JSON की फ़ाइल है वो चाहते हैं पुश हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें आप चाहते हैं ना पुश हो, या कोई ऐसी बड़ी फाइल्स हैं जो GitHub में मुझे पता है जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ यार वो भी पुश ना हो। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसका जस्ट नाम लिख दूंगा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके इसके नाम को कॉपी करके मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसको भी मैं मोस्टली मैं हाथ से टाइप नहीं करता हूँ, क्योंकि हाथ से टाइप करने में मोस्टली क्या होता है कि कोई स्पेलिंग वेस्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। वेल, इसको जब मैंने यहाँ पे सेव किया तो इसका नाम चेंज नहीं हुआ ना, हाँ, इट मीन्स कि मैंने कुछ देखे मिस्टेक की हुई है इसके अंदर, ठीक है, कोई मिस्टेक हुई है जब, वरना ये यू चेंज हो के ना
ये डिम हो जाता है इसका कलर ना ऑटोमेटिकली, ये वीएस कोड ने इसकी इंटीग्रेशन दी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ लिहाजा कि वीएस कोड के अंदर एक फ़ीचर है उसके अंदर चला जाता हूँ मैं यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो मुझे वो सारी फाइल्स यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं जो चेंजेस हैं एक्चुअली। ठीक है, मैं ये सीक्रेट क्रेडेंशियल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इस पर कह देता हूँ कि मैं ऐड टू डॉट इट गेट इग्नोर। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे किया आप देखें यहाँ से गायब भी हो गया और इसका कलर भी डिम हो गया। इट मींस कि ये गेट इग्नोर में सही तरह ऐड हो गया है। पहले मैंने क्या किया था, मैंने डॉट स्लैश लगा दिया था। अच्छा, डॉट स्लैश से भी कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं, हाँ नहीं, डॉट स्लैश से काम नहीं कर रहा, तो इसका नाम सीधा सीधा लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं कोई फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पर, मैंने कहा भाई ए बी सी फोल्डर, और इस फोल्डर को भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं उसको भी क्या करूँगा, यहाँ पर शो नहीं हो रहा एक्चुअली ये। अच्छा, शायद इसके अंदर कोई फाइल नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा, मैं बना देता हूँ, ये फाइल बना देता हूँ इसके अंदर में, राइट। तो ये ए बी सी फाइल और ए बी सी फोल्डर जो है ना मेरे पास, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं ऐड टू गिट इग्नोर में क्लिक करता हूँ, तो क्या हो जाता है ये, इसने देखें एब्सोल्यूट पाथ दिया है पूरा, फोल्डर का नाम उसके बाद फाइल का नाम, तो मैं फोल्डर फाइल का नाम हटा देता हूँ, तो सारे फोल्डर के अंदर जो भी कुछ है ना सब इग्नोर हो गया। तो ये गिट इग्नोर अगेन, मैं इसको वी एस कोड से भी नहीं करता, इसके लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर है गिट स्मार्ट गिट, तो मैं वो यूज़ करता हूँ वो ज़रा, क्योंकि गिट वी एस कोड के अंदर जो ये इंटीग्रेशन दी हुई है ना ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आप समझ लें मिनिमल सी है, इसमें कुछ फीचर्स हैं जो मौजूद नहीं है बहुत सारे ना, तो इस वजह से इग्नोर करना तो मैंने जस्ट यहाँ से बता दिया। यहाँ पे कमिट भी हो जाता है, कुछ मैसेज लिखते हैं कमिट करते हैं कमिट हो जाता है, प्लस का बटन दबाते हैं तो ऐड हो जाता है, राइट, है ना, जो हमने वो टर्मिनल से जो काम किया है ना गिट ऐड डॉट वाला, ये गिट ऐड फाइल। अब आप देखें मेरे पास अभी जो चेंजेस हैं, मेरे पास जो अभी चेंज है वो सिर्फ एक ही चेंज है, गिट इग्नोर की एक फाइल मैंने बनाई है, ये मैंने भेजनी है गिटहब डॉट कॉम पे, राइट। तो ये गिट इग्नोर की फाइल मैंने अब करना है वही वाला काम जो मैंने गिट ऐड डॉट से किया था यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, गिट ऐड और डॉट, क्योंकि एक ही चेंज है, सारे को पुश करूँगा तो वह चला जाएगा, या फिर डॉट स्लैश करके मैं डॉट गिट इग्नोर पूरा बताऊँगा इसको, सही है ये। अच्छा, ये मैंने कैसे किया, फाइल का नाम मैंने थोड़ा सा लिखा डॉट जी आई टी और मैंने टैब का बटन दबाया तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया, और मैं इसको एंटर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट मैं ये काम यहाँ से नहीं करता हूँ इस दफ़ा, मैं इसका प्लस का बटन दबा के भी ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, प्लस का बटन दबाया तो ये स्टेज चेंजेस के अंदर चला गया, और इसका देखें पहले जो ए हुआ था वो भी ए इस तरह से यहाँ पे हो गया, राइट। और अब मैं क्या करूँगा, कमिट का जो भी मैसेज है यहाँ पे, मैंने कहा भाई गिट इग्नोर एडेड और कमिट का बटन दबाऊंगा तो ये कमिट हो जाएगा, और यहाँ से राइट क्लिक करके पुश का बटन दबाऊंगा तो ये पुश भी हो जाएगा। तो वो सारे काम जो मैंने टर्मिनल से किए थे, आपको अगेन जैसा कि मैंने बताया सिर्फ क्लोन वाला काम जो मैं टर्मिनल से करना पसंद करता हूँ, उसके बाद का जितना भी काम है मैं कोशिश करता हूँ मैं टर्मिनल से वो ना करूँ। ठीक है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक विस्टेक का जो है ना थोड़ा चांस रहता है। तो अब मैं जाके अगर गिटहब डॉट कॉम पर वापस देखता हूँ तो यहाँ पर वो गिट इग्नोर की फाइल आ चुकी है यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर मेरे पास दो कमिट शो हो रहा है, टोटल दो कमिट किए मैंने, पहली कमिट में दो फाइल डाली थी, दूसरी कमिट में मैंने गेट इग्नोर डाला है। अच्छा, अब मैं अगर अपने कोड को जाके विजिट करना चाहता हूँ कि पहले कमिट पे मेरा कोड कैसा था, तो वो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, बट यहाँ से ऑब्वियसली मैं करता नहीं हूँ, लेकिन जस्ट यहाँ से बता रहा हूँ कि ऑप्शन है। मैंने कमिट पे क्लिक किया, ये दो कमिट आ गए, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ रहा है कि ब्राउज रिपोजिटरी एज एट दिस पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। मैं क्लिक करूँगा ना तो ये कमिट नंबर वन पे देखें गेट इग्नोर की फाइल मौजूद नहीं थी, तो वहाँ पे मैं आ गया। ठीक है, अगेन रिपोजिटरी के नाम पे क्लिक करूँगा, मैं रूट पे पहुँच जाऊँगा दोबारा। अच्छा, अब यार मुझे ये बताओ कि आज के लिए इतना इनफ है या स्मार्ट ग्रिड को भी डिस्कवर कर लें आज? भाइयों यार शोर हो रहा है थोड़ा। अच्छा अनस भाई, स्मार्ट ग्रिड को भी कवर कर लें या इतना काफ़ी है आज के लिए? भाइयों आप बताएं, नहीं नहीं लंबा तो खैर, अरे शोर, सब लोग शोर हैं। अच्छा, इतना आई थिंक इतना आप सब लोगों को आता था पहले से, बट जो नीटी ग्रिटीज हैं उसको मैं कवर करते हुए चलाऊँ, तो आई होप कि बहुत सारे सवालात जो आपके जहन में थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगेन अगर यहाँ तक के पॉइंट पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग ना। ठीक है जी, हाँ जो माइनस एम करते थे वो मैंने अभी यहाँ से ये मैसेज लिखा है ना इधर, तो वही सेम चीज़ हो गई।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्मार्ट ग्रिड के ऊपर कि स्मार्ट ग्रिड से हम क्या क्या कर सकते हैं और स्मार्ट ग्रिड क्यों मेरे ख्याल में एक बेहतर सॉफ्टवेयर है टर्मिनल के मुकाबले में, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपने स्मार्ट ग्रिड जो है ना इंस्टॉल कर लेना है। कुछ इस तरह का दिखता है स्मार्ट ग्रिड, ठीक है। डाउनलोड फॉर विंडोज़, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो पोर्टेबल वाला कोशिश करें कि आप ना करें, है ना, पोर्टेबल वाला ज़रा अगर आपने प्रॉपर यूज़ करना है तो ये इंस्टॉलर इसका करें वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। पोर्टेबल वाले में ये होता है कि वो ज़रा डाउनलोड होती है ना जो फाइल, वही डबल क्लिक पे वही चल जाती है और वो डिलीट हुई तो ख़त्म। तो बेहतर ये है कि इंस्टॉलर उसका करें। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है तो मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट क्या करूँगा, स्मार्ट ग्रिड यहाँ पे लिख के एंटर करूँगा तो मेरे पास ये स्मार्ट ग्रिड ओपन हो गया। अच्छा, अब जो मैंने फोल्डर जो मेरा है, जो एक्चुअली मेरी रिपॉजिटरी है जो मैंने अभी क्लोन की थी, उस रिपॉजिटरी को मैंने इधर ओपन करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? वो मैं ऐसे करूँगा, उसको ड्रैग करके मैं ले आऊँगा इधर, जस्ट लाइक दिस। मैं गया डाउनलोड्स में, नो नॉट डाउनलोड्स, डेस्कटॉप कंपनी, और ये है मेरी वो रिपॉजिटरी, राइट, ठीक है। अच्छा, रिपॉजिटरी की पहचान ये डॉट ग्रिड का फोल्डर ही इसकी पहचान है, राइट। तो इसको देख के मुझे पता लग जाता है। तो मैं इस फोल्डर को यहाँ से ड्रैग करूँगा और इसको यहाँ लाके मैं ड्रॉप कर दूँगा। ये जो फिनोमेना है ये विंडोज़, मैक और लिनक्स में सेम है, ठीक है। स्मार्ट ग्रिड का जो इंटरफेस है वो भी मैक, लिनक्स और विंडोज़ के अंदर बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस सॉफ्टवेयर को मोस्ट प्रोबेबली शायद यही नज़र में रख के बनाया गया है कि जो टीम होगी जाहिर है वो अलग अलग चीज़ों पर काम कर रही होगी। अच्छा भाई, तो मैंने इसको इस रिपॉजिटरी को यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, राइट। मेरी रिपॉजिटरी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और मेरी रिपॉजिटरी में अभी तक जो भी कमिट अभी तक हुए हैं वो कमिट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें क्या सुपर पावर आपको देता है ये स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड से आपको ये सुपर पावर मिल जाती है कि आप अपनी किसी भी कमिट के ऊपर, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अपने रिपॉजिटरी के नाम पे क्लिक किया, ये टोटल दो कमिट हैं, नंबर एक कमिट ये, नंबर दो कमिट ये। तो मैं नंबर एक कमिट पे जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे साइड पे मुझे वो फाइल्स दिखा देता है कि इस कमिट में जो जो फाइल मैंने भेजी है वो फाइल मुझे दिखा देता है। क्यों ये मेरे लिए कहाँ पे यूज़फुल रहता है? जाहिर है जब मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता हूँ तो साथ में मेरे कोलीग्स होते हैं या जूनियर्स होते हैं, तो उनका जो कमिट है वो मुझे चेक करना पड़ता है, राइट। कि जो मिसाल के तौर पे जो अभी शाम को जाते हुए कमिट जो भी आप करके जा रहे हैं जो, तो मैं क्या करूँगा, कल आके सबसे पहले उस कमिट को मैं रिव्यू करूँगा, ठीक है। तो उस रिव्यू करने के लिए अगर चार पांच कमिट आपने किया हुआ है तो मुझे कैसे पता चलेगा इसके अंदर क्या काम हुआ है? मुझे github.com पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं फ़ाइल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो जाती है। ओपन क्यों नहीं हुई ये फ़ाइल? आई एम नॉट श्योर कि ये फ़ाइल ओपन क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, मैं स्मार्ट ग्रिड को ज़रा क्विट कर रहा हूँ। मैंने शायद उसको फुल स्क्रीन किया था ना, इसकी वजह से उसमें कुछ ग्लिच आ गया, वो फाइल ओपन नहीं कर पा रहा था। अच्छा, मैं अगेन इस पे जाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स आ रही हैं, मैं इनमें से एक को, इस वाली फ़ाइल को ओपन करना चाहता हूँ। ये ओपन नहीं हो रही फ़ाइल। वेल, अगर ये ओपन ना भी हो तो इसका यहाँ पे ना कोड अंदर कंटेंट दिख रहा होता है, यहाँ पे दूसरी वाली का इसका कंटेंट दिख रहा है, इसका भी कंटेंट दिख रहा है, ठीक है। तो नीचे भी यहाँ कंटेंट दिख रहा होता है अगर ये बड़ा होके ओपन ना भी हो। अच्छा, ये वाली फाइल ऑन अदर एंड बड़े होके ओपन हो जा रही है। आई एम नॉट श्योर वाई, को कुछ ग्लिच हो रहा है उसके अंदर। तो इसमें ना जब ये बड़े होके खुलती है तो उसमें दिखता है कि यार इस तरफ जो है वो क्या था पहले ये कोड, और देन अब ये कमिट के बाद ये किस तरह का हो गया। तो कंपैरिजन करने में बड़ा आसान रहता है इसके अंदर कि जी वो मिसाल के तौर पे मैं अगर मैंने अपने जूनियर का कोड रिव्यू करना है तो उसने कौन कौन सी लाइंस में ऐड किया है। अगर मैं इसको खोलूँ ना तो यहाँ पे स्क्रॉल बार पे भी आप देखेंगे ग्रीन सा एक डॉट बना हुआ आ रहा है,
ठीक है, अभी आई डोंट हैव एनी बिगर फाइल्स, तो वो उसमें पूरा दिख जाता है मुझे स्क्रॉल बार पे कि यार कहाँ कहाँ पे चेंजेस हैं। मैं एग्जैक्टली उधर ही उधर जाके उस कोड को क्या कर लेता हूँ, रिव्यू कर लेता हूँ। अच्छा, प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है, अगर मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ और विंडो पे क्लिक करके मैं शो वर्किंग ट्री पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट व्यू इसका यही होता है, शो वर्किंग ट्री। तो यहाँ पे जो है ना, इस जगह पे मुझे वो चेंजेस नज़र आ रहे होते हैं जो चेंजेस मैंने किए हुए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मैं इसको इस तरह से खोल के रखता हूँ अपने पास, ये कौन सी वाली मैंने की है, विंडो पे जाके और शो वर्किंग ट्री की है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने शो वर्किंग ट्री कर लिया है तो यहाँ पे आप देखेंगे शो लॉग्स आ रहा है, तो ये इसके दो एक्चुअली व्यूज़ हैं, एक वर्किंग ट्री है और एक लॉग्स हैं। तो लॉग्स वाले को मैं कर रहा हूँ बंद और वर्किंग ट्री वाले को जस्ट मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं आता हूँ और अपनी जो टेक्स्ट फाइल थी मेरी, जो इनिशियल मैंने बनाई थी, मैंने इसके अंदर क्या कर दिया कि यार सम मोर कोड फ्रॉम फॉर लॉगिन, मिसाल के तौर पे, ठीक है, कि लॉगिन का मैंने कुछ कोड वगैरह लिखा है आपके ऊपर, और सम कोड फॉर कॉन्टैक्ट, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और मैं वापस यहाँ पर आता हूँ स्मार्ट ग्रिड पे, तो वो चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख जाएंगी। नाउ आपको क्या दिख रहा है कि ये फाइल मॉडिफाइड है, ठीक है, इसका जो स्टेट मुझे दिख रहा है वो मॉडिफाइड है, ठीक है। जो मैं काम टर्मिनल से करता था ना, ऐड और कमिट और पुश, वो तीन काम, अब वो मैं यहाँ से आपको करना बता रहा हूँ कि वो यहाँ से कैसे होगा। इसके ऊपर आप आगे क्लिक करते हैं। अच्छा, अभी एक फ़ाइल है ना, मैं एक फ़ाइल और में चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा भाई सम अदर चेंजेस, दो फाइल में मैंने चेंज कर दिया, तो अब देखें दोनों यहाँ पे दिख रही है आपको। दोनों फाइल पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये कंपैरिजन भी आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यार कौन सी फ़ाइल में क्या चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने मिसाल के तौर पर एक को कमिट करना है या दोनों को कमिट करना है, जिस जिसको कमिट करना है मैं उनको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल के दबाऊँगा मैं, तो अच्छा ये मुझसे पूछ रहा है कि वो ईमेल कौन सा यूज़ हो, जो हु यू आर वाला सवाल था ना, ये देखें इसने इस तरह से पूछा है। मैंने कहा यार यही ईमेल है मेरी, क्योंकि ये रिपोजिटरी अभी अभी खुली है स्मार्ट ग्रिड पे, तो स्मार्ट ग्रिड इस चीज़ का ख्याल रखते हुए। अच्छा, स्मार्ट ग्रिड में आपके पास ये भी एक ऑप्शन होता है कि किसी भी रिपोजिटरी के लिए ना आप वो ईमेल चेंज कर सकते हैं। वैसे तो टर्मिनल पे क्या होता है, आप एक करते हैं तो वो ग्लोबल हो जाता है, माइनस माइनस ग्लोबल करके आप करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं, किसी भी रिपोजिटरी पे गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पे गए सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद ना ये जो ईमेल है ये मैं इस रिपॉजिटरी के लिए मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर इंजमाम मलिक के सामने डॉट लगा दिया, तो ये सिर्फ इस रिपॉजिटरी के लिए डॉट लग गया, ठीक है। अब जो पहले की कमिट्स थी ना मेरे पास, अगर मैं पहले की कमिट्स पे जाना चाहता हूँ तो मैं कैसे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर और लॉग्स, जो लॉग मैंने पहले व्यू खोला हुआ था, तो उस लॉग में ना एक्चुअली यहाँ पे दिख रहा था मुझे कि यार ये जो कमिट हुई है ना, ये कमिट किसने किया है, इंजमाम मलिक ने किया है। यहाँ पे मैं हवर करूँगा तो इसका ईमेल भी दिख जाएगा मुझे, ये कमिट किसने किया है, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस हुई थी, ये फाइल यहाँ पे दिख रही है मुझे, ये वाले कमिट पे भी क्या दिख रहा है, इंजमाम मलिक दिख रहा है मुझे। लेकिन अब मैंने सिर्फ इस रिपॉजिटरी के लिए उसको डॉट लगा दिया उसके साथ, यानी कि नाम को चेंज कर दिया एक्चुअली, तो मैं कर सकता हूँ। इसका फ्रीलांस काम करते हुए इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि क्लाइंट आपको जो है ना कंपनी की ईमेल से बना के देता है रिपॉजिटरी, और क्लाइंट आपसे चाहता है कि आपके कमिट में वही ईमेल एड्रेस शो हो, आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस शो ना हो। तो क्या मैं पूरे कंप्यूटर का चेंज करूँगा, नहीं, मैं सिर्फ इस रिपॉजिटरी में राइट क्लिक करके चेंज करूँगा। अच्छा, ये फीचर स्मार्ट ग्रिड का नहीं है, ये फीचर टर्मिनल से भी हो सकता है, लेकिन वो ज़रा सा मुश्किल सी कमांड है वो, तो यहाँ से करना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। और याद रखें, मैं जितना भी काम यहाँ से कर रहा हूँ स्मार्ट ग्रिड से, स्मार्ट ग्रिड इज़ जस्ट अ UI, इसके पीछे वो सारी वही गिट की कमांड्स चल रही हैं जो टर्मिनल पे चलती हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इसने एडिशनल, बस ये उसको क्या करता है, अच्छे से विजुअलाइज कर देता है चीज़ों को, तो दैट्स वाई आई कॉल इट यूज़फुल ना। अदरवाइज़ जितना भी काम यहाँ से हो रहा है वो सारा का सारा काम टर्मिनल से भी हो सकता है। इवन जो फाइल यहाँ पे कॉम्पेयर हो रही है ना, ये भी टर्मिनल पे खुलता है, ठीक है, बट वो इतना अजीब सा खुलता है कि उसको देखना काफ़ी मेरे लिए तो मुश्किल रहता है एटलीस्ट, ठीक है। कुछ लिनक्स के यूज़र उसको टर्मिनल के ऊपर कंपैरिजन भी करते हैं, उसके कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व करते हैं, ब्रांचेस भी बनाते हैं, वो सारा काम टर्मिनल पे करते हैं। बट आई थिंक कि हम अभी इस वक्त सर्वर के एनवायरनमेंट में नहीं है, हम अभी यहाँ पर टीम वर्क के अंदर, शायद विजुअल से अगर जल्दी काम होता है तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंट्रोल ए करके वो सारी फाइलें सेलेक्ट की मैंने। अच्छा, अगर मैं स्टेज का बटन दबाऊंगा तो ऐड हो जाएगी जस्ट, लेकिन मुझे ऐड भी करनी है साथ में कमिट भी करनी है, तो मैं कंट्रोल के का बटन, अच्छा यहाँ पे पहले इनका ना कमिट का एक बटन होता था, वो इन्होंने हटा दिया कहीं, तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे कमिट का इधर ऑप्शन आ रहा होता है, वो बहरहाल मेरे पास वो हाथ सेट है कंट्रोल के पे ना मेरा, ये रहा कमिट, ठीक है। तो सामने वो बड़ा सा बटन होता था वो उन्होंने हटा दिया है, तो यू कैन गो हेयर फॉर कमिट, और कंट्रोल के से भी आप कमिट ना कर सकते हैं, जो इन्होंने शॉर्टकट पर दिखाया हुआ है। मे बी अगर इसको मैं बड़ा करूं तो वो बटन आ जाए, नहीं,
वो बटन इन्होंने परमानेंटली हटा दिया, रिसेंटली उसको रिमूव किया इन्होंने। तो वेल मैं सारी फाइलों को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के दबाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार दिस कमिट इज मेड फ्रॉम स्मार्ट गिट, ठीक है जी। और कमिट भी कर सकता हूँ, कमिट एंड पुश भी कर सकता हूँ मैं दोनों काम, लेकिन मेरे तरफ से रिकमेंडेड ये है कि कमिट करें सिर्फ आप। कमिट कर दिया आपने, ये ओके हो गया कमिट। कमिट करने के बाद आप लॉग्स में जाएंगे और लॉग्स में जाके आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपने करेक्ट ईमेल से इसको कमिट किया, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, लॉग्स में जाएंगे आप। लॉग्स में जाने के बाद ये जो अभी अभी मैंने कमिट किया, देखें ये कमिट यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ये कमिट मुझे नज़र आ रही है। इसमें क्या क्या चेंजेस हुई हैं वो भी इसको मैं खोल के यहाँ देख सकता हूँ, राइट। ये चेंजेस हुई हैं इसके अंदर, ये फाइल पहले से था और ये लाइन इसमें ऐड हुई है, राइट। तो ये देखने के बाद यहाँ से मैं ईमेल को मेक श्योर करने के बाद, यार वो डॉट इसमें लगा नहीं लेकिन जो मैंने लगाया था ना, मे बी उसको ये ट्रिम करके डिस्प्ले करता है इस वजह से नहीं लगा। तो यहाँ से सब कुछ देखने के बाद यहाँ पे आप एक चीज़ और भी नोट करें कि मेरा जो ओरिजिन है, मेरा ओरिजिन ये कहते हैं उस रिमोट सर्वर को, उस रिमोट होस्टिंग को जो github.com जो है, तो वो आप देखें एक पीछे है वो, और मेरा जो मेन मेरे लोकल वाला जो है वो एक आगे निकल चुका है, ठीक है, प्लस वन है। अब मैं जैसे ही क्या करूँगा, पुश करूँगा ना, तो ये जो चेंज मेरे पास है अभी जो अभी पुश नहीं हुआ हुआ, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट वो यूँ जुड़ जाएंगे। तो इट मीन्स कि मैं इवन हो जाऊँगा अपने सर्वर के साथ। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं बंद करूँगा और मैं पुश का बटन यहाँ से प्रेस कर दूँगा तो पुश हो जाएगा ये, राइट, पुश सक्सेसफुली। मैं अगेन लॉग्स में जाता हूँ जब, तो मुझे अब वो दोनों इवनली दिखेगा। ये आप देखें दोनों मिक्स हो गए, जुड़ गए आपस में, कि जी दिस कमिट इज़ मेड फ्रॉम स्मार्ट ग्रिड जो है ना, ये क्या हो चुके हैं अब मेरे रिमोट पे मेरे पुश हो गया, या github.com पे मेरे जो वो पुश हो गया, ठीक है। मैं github.com पे अगर जाता हूँ तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे वो वाली जो कमिट है, ठीक है, अब तीन कमिट यहाँ पे हो चुका है जो कि पहले दो था। मैं कमिट के अंदर जाता हूँ तो दिस कमिट इज़ मेड फ्रॉम स्मार्ट ग्रिड यहाँ पे शो हो रहा है मेरे पास। अच्छा, इग्नोर का भी यहाँ पे इसी तरह से है कि जैसे कोई फाइल है मेरे पास, अगर उसको मैंने इग्नोर करना है तो मैं क्या करूँगा, उस फाइल पे राइट क्लिक करके उसको इग्नोर करूँगा तो वो मुझे इग्नोर करवा देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं गिट इग्नोर की फाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये सारी इग्नोर चीज़ें वो वापस आ जाएंगी अपनी जगह पे। तो आप देखें इसने मुझे बोला कि ये गिट इग्नोर की फाइल थी ये मिसिंग है अब, राइट, और ये ABC फाइल और ये सीक्रेट क्रेडेंशियल, ये दोनों अब मार्केट में आ चुके हैं कि इसको आप ऐड करके पुश करें, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे और राइट क्लिक करके इग्नोर का बटन दबाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली फाइल भी बना देगा, सब कुछ कर देगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये दो ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है यार एक तो ये है कि एक्सप्लिसिटली नाम लिख के इग्नोर करूँ मैं उसका, या उसको मैं पैटर्न बना दूँ, है ना, जैसे कि टेक्स्ट फाइलें सारी ही इग्नोर करनी है। मैंने कहा यार एक्सप्लिसिटली कर दो फिलहाल के लिए। और गिट इग्नोर कहाँ बनाओ, पेरेंट डायरेक्टरी में या इस डायरेक्टरी के अंदर ही बना दो। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट अप्रोच अवेलेबल है, तो इसमें से कोई भी अप्रोच करेंगे इवनली वो काम करता है, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आपके पास टाइम हो। तो इग्नोर का बटन मैंने दबाया तो इसने क्या किया, आप नोट करें कि गिट इग्नोर की एक फाइल बना दी और उसके अंदर उसका नाम ऐड कर दिया, जो कि मैंने डिलीट कर दी थी फाइल एक्चुअली, उसको दोबारा ऐड कर दिया। इसी तरह ABC फाइल पे मैं जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं इग्नोर का बटन दबाता हूँ तो इसको भी क्या कर दिया इसने, इग्नोर कर दिया, ठीक है, इग्नोर हो गया, ठीक है जी। और अच्छा, अब की बार इसने क्या किया है, क्योंकि मैंने पेरेंट फोल्डर का जिक्र किया था ना, तो इसने ABC फोल्डर के अंदर जाके गिट इग्नोर बनाया। अगर मैं वापस आऊँ यहाँ पे तो आप देखें रूट का एक गिट इग्नोर अलग है और ABC फोल्डर के अंदर एक गिट इग्नोर इसने अलग बनाया है, ठीक है, सिर्फ उस फोल्डर के लिए। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, हर फोल्डर में गिट इग्नोर उसका अपना हो सकता है। अगेन अब मैं ये सारी चीज़ों को क्या करना चाहता हूँ, दोबारा से पुश करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल के किया और मैंने कहा कि भाई गिट इग्नोर चेंज्ड, सही है, और ये कमिट हो गया, कमिट सक्सेसफुली। पुश का बटन दबाऊंगा, ये पुश हो गया, ठीक है। अच्छा, नीचे भी मुझे ये जर्नल दिखा रहा होता है, यहाँ पे भी वो लॉग्स काइंड ऑफ मुझे दिख रहे होते हैं, ठीक है। अगेन अगर मुझे किसी पीछे वाली कमिट्स को जाके देखना है, मैं राइट क्लिक करूँगा, लॉग्स में जाऊँगा, लॉग्स में जाके ये जो भी कमिट्स हुई हैं अभी तक, ठीक है, इन कमिट के सामने किसका नाम लिखा हुआ है और इसमें कौन सी फाइल पुश हुई है और उसके अंदर क्या चेंज हुआ है, वो सारा का सारा मैं यहाँ पर रियल टाइम में देख सकता हूँ, फौरन ही में देख सकता हूँ, ठीक है। अब ये कमिट की जो अभी मेरे पास 1, 2, 3, 4 टोटल कमिट्स हैं, तो ये कमिट आपके पास जो है ना अच्छी खासी क्वांटिटी में, अच्छी खासी तादाद में होंगी। अगर मैं आपको ये AI कार्स वाला थोड़ा सा दिखाऊं अगर कि इसका जो लॉग है वो किस तरह से दिखता है, तो यहाँ पे आप देखें ये इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट, इस तरह से ये पूरा का पूरा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये रिपोजिटरी प्राइवेट है, उसका ये URL यहाँ पे आपको दिख रहा है।
तो जो भी कमिट मैं अब तक कर चुका हूँ, तो ये वो सारे देखें, सबके साथ ना नाम लिखा हुआ। मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और लॉग में जाता हूँ, तो मुझे इस तरह से ये देखें यहाँ पे ना सारे के सारे लॉग्स दिख रहे हैं। ठीक है, टोटल कितनी कमिट्स हैं यहाँ पे, कहीं साइड में शो हो रहा होता है ये, वेल शो नहीं हो रहा लेकिन है तकरीबन 50-60 के करीब कमिट्स हैं। तो आप देखें इसके अंदर क्या है जी, कि वेरीफाई SMS OTP डन, वेरीफाई ईमेल OTP डन, ठीक है, सेंड OTP इज़ डन, या मिसाल के तौर पे यहाँ पे फ़ोन लुकअप स्कीमा कंप्लीटेड, या आप और अगर पीछे जाएँ तो यूज़र स्कीमा वगैरह। अच्छा, इसके साथ आप देखें कुछ कमिट्स में A लिखा हुआ है, कुछ कमिट्स में MI लिखा हुआ है। तो जो A लिखा हुआ है एक्चुअली इट मीन्स के ये अवेस ने कमिट्स किए हैं, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है IM, ये इट मीन्स कि ये मैंने कमिट किया है। अच्छा, एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होगी अक्सर यहाँ पे सीधा, क्योंकि मैं जब चार कमिट करता हूँ तो सीधा सीधा चल रहा था, लेकिन जहाँ पे ये अवेस की और मेरी कमिट, क्योंकि ज़ाहिर है हम सुबह आते हैं यहाँ पे तो हम पुल ले लेते हैं जो भी कुछ github.com पे होता है, और जब काम करना शुरू करते हैं तो कुछ फ़ीचर मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, कुछ फ़ीचर वो इंप्लीमेंट करता है। तो पहले जो भी बंदा कोड पुश कर देगा github.com पर, मिसाल के तौर पर पहले अवेस नहीं कर दिया, तो अब मैं पुश करूँगा ना, मुझे वो पुश नहीं करने देगा, मुझे वो बोलेगा कि भाई ये पुश में एरर है, वो कहेगा कि सम रेफ कैन नॉट बी सेंट, इस तरह करके बोलेगा, वो कहेगा पहले पुल लो आप। तो जब मैं पुल लेता हूँ तो वो क्या होता है कि इस तरह से एक ना ये पुल बनता है। अच्छा, ये जो है ना ये एक्चुअली ब्रांच होती है, जो लकीर है ना ये एक्चुअली, ये दिस इज़ ब्रांच। तो इस तरह से एक ब्रांच ऑटोमेटिकली बनती है और ऑटोमेटिकली वो मर्ज हो जाती है आपस में, और सम टाइम इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है अगर आप दोनों लोगों ने सेम फाइल में अगर चेंज कर दिया तो कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना जो है वो हम देखेंगे इन मे बी नॉट टुडे, बट ब्रांच जो है ना उसका कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ कि आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ब्रांच क्या चीज़ होती है गिटहब के अंदर, या गिट के अंदर ब्रांच क्या चीज़ होती है। कितना टाइम रह गया हमारे पास मीटिंग का? क्या मसला आया था? क्या आया था? अच्छा, वो रिमोट URL चेंज हो गया था, वो भी अभी देख लेते हैं हम रिमोट URL, बट आई एम नॉट श्योर कि हम वो आज देख पाएंगे। वेल, पहले हम ब्रांच को ज़रा जल्दी से अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि यार व्हाट इज़ ब्रांच। तो मैं वापस से अपने उसी हेलो वर्ल्ड रिपोजिटरी में आ जाता हूँ जो मैं इनिशियली लेके चल रहा था। ठीक है, इसके मैं लॉग्स में जाके देखता हूँ जब, ठीक है, ये जी मेरे पास क्या चल रही है, एक स्ट्रीम चल रही है। अब मैंने क्या करना है, इसमें से एक ब्रांच अलहदा करनी है। ब्रांच बनाने का जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है कि अगर दो लोग एक ही फाइल में काम कर रहे हैं या एक ही रिपोजिटरी पे काम कर रहे हैं दो अलग अलग फीचर, तो बेहतर तरीका ये होता है कि उसका ब्रांच में अलग कर लूँ, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेन में से ना एक अपने नाम की ब्रांच निकालता हूँ, राइट। अपने नाम की ब्रांच में कैसे निकालूंगा, किसी पे भी क्लिक करके मैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने ब्रांच निकालनी यहाँ से, मैं यहाँ से भी ब्रांच निकाल सकता हूँ, बट दैट वुड बी अ फेटल एरर, क्योंकि वो बीच से मैं कहीं और से निकाल लूँ। तो एक्चुअली अभी वाला जो लेटेस्ट कोड है ना उसको मैंने सेपरेट करना है, उसकी मैंने अपनी ब्रांच बनानी है। तो मैं यहाँ पे आके क्या बोलूँगा, राइट क्लिक और ऐड अ ब्रांच, सही है, ऐड अ ब्रांच। तो मैंने कह दिया कि यार INZAM ब्रांच, ठीक है। अच्छा, मैंने स्पेस डाला तो उसने ऑटोमेटिकली इसको अंडरस्कोर बना दिया, क्योंकि स्पेस इसमें अलाउड नहीं होता, ठीक है। अब ये टर्मिनल पे करता तो मैं एरर आ जाता, फिर मैं दोबारा कमांड चलाता, तो ये मुझे एक लेवरेज मिल जाता है इसके अंदर। अच्छा, तो मैं ऐड अ ब्रांच एंड चेकआउट कर दूंगा। अच्छा, ये चीज़ याद रखें कि बाई डिफ़ॉल्ट मैं कौन सी ब्रांच पे हूँ इस वक्त, बाई डिफ़ॉल्ट जो है मैं मेन ब्रांच के ऊपर इस वक्त मौजूद हूँ, क्योंकि गिट की रिपोजिटरी में एक ब्रांच होना तो ज़रूरी है ही है, ठीक है, एक से कम ब्रांच नहीं हो सकती। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने खुद एक मेन के नाम से बना दी थी ब्रांच, तो मैं उस ब्रांच पे इस वक्त मौजूद हूँ। अच्छा, अब जब मैं करूँगा ना ऐड ब्रांच एंड चेक आउट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ब्रांच को स्विच कर रहा हूँ, मैं जो नई ब्रांच मैंने अभी भी क्रिएट की है मैं उस पर स्विच कर जाऊँगा। तो मैंने ये बटन दबाया और मैं स्विच कर गया। अच्छा, जैसे ही मैंने स्विच किया है तो आप देखें कुछ चेंजेस यहाँ पर आएंगे जो आपको नोट करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, ये सारा काम अगेन टर्मिनल से भी होता है, लेकिन ज़रा सा मुश्किल होता है टर्मिनल से। यहाँ पर आप देखें एक मेन ब्रांच है, एक यहाँ पर क्या है इंजमाम ब्रांच है। अच्छा, अब ये था मेरा लोकल ब्रांचेस, एक है यहाँ पे ओरिजिन, ओरिजिन के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेन ब्रांच है। ओरिजिन के अंदर वो वाले ब्रांच नहीं है जो मैंने अभी भी क्रिएट किया है, क्योंकि वो मैंने ब्रांच पुश नहीं की है अभी तक। जैसे मैं कमिट को पुश करता हूँ ऐसे ही मुझे ब्रांचेस को भी पुश करना पड़ता है। तो जब तक मैं इस ब्रांच को पुश नहीं करूँगा, जब तक ये पुश नहीं होगी, मैं लोकल रखना चाहूँगा इस ब्रांच को, मैं लोकल रखूँगा, मैं अपने लिए बनाए मैंने, मैं लोकल रखूँगा, अपने लिए यूज़ करूँगा और लोकल से ही उसको डिलीट कर दूँगा, तो रिमोट को कभी पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कोई ब्रांच बनी थी, सही है। तो वेल, मैंने ये ब्रांच बनाई है और
जितनी भी ब्रांचेस बनाता जाऊंगा मैं, लोकल पे वो लिस्ट आती जाएगी, वंस उसको मैं पुश करूंगा तो वो ओरिजिन पे भी शो होना शुरू हो जाएगी, राइट। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो है ना कुछ चेंज ऐसा खास अभी नज़र नहीं आ रहा, जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि इंजमाम ब्रांच, जहाँ पे पहले नेम मेन लिखा हुआ था वहाँ पे जस्ट मेरा नाम लिखा हुआ गया। अच्छा, जैसे ही अब मैं क्या करूँगा इस पर कोई चेंज करूँगा, तो देखते हैं फिर क्या होता है। मैं इसको बंद करता हूँ। अच्छा, इस वक्त जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये मेरा नाम लिखा हुआ रहा है, इंजमाम ब्रांच, ठीक है, इंजमामा ब्रांच कर दिया मैंने इसको तो यहाँ पे भी नाम लिखा आ रहा है, और यहाँ पे भी देखें ये चेकआउट हुआ हुआ हूँ मैं इस ब्रांच पे, तो ये जो डार्क एरो है ना, इट मीन्स कि मैं इस वाली ब्रांच पे चेकआउट हूँ, ठीक है। मैं दूसरे पे क्लिक करूँगा या इस पे क्लिक करूँगा, दिस इज़ डार्क। अगर मैंने इस ब्रांच को वापस मेन पे स्विच करना है तो मैं मेन पे क्या करूँगा, मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये पूछ लेगा मुझसे कि हाँ यार चेकआउट, तो अब मैं किस पे आ गया, वापस मेन पे आ गया। डबल क्लिक करूँगा इंजमाम पे तो मैं वापस इंजमाम पे आ गया, ठीक है। तो ये ब्रांच को मैं बैक एंड फोर्थ फौरन स्विच कर सकता हूँ। तो राइट नाउ मैं इंजमाम ब्रांच पे हूँ क्योंकि मैंने ये अपने लिए ब्रांच अलहदा की है। इस पर मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, आ जाते हैं कुछ चेंजेस इस पर कर लेते हैं हम। मैंने कहा कि यार इंजमाम डॉट जे एस, ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट की मैंने फाइल बनाई और उसमें कॉन्सोल डॉट लॉग करके मैंने कुछ भी टेक्स्ट फाइल एक्चुअली बना रहा हूँ मैं कि दिस इज़ सम कोड, ठीक है, ये मैंने कोड कुछ लिखा, और ये कोड मैं कहाँ पे पुश करूँगा अभी एक्चुअली मैं पुश नहीं करूँगा, पहले तो मैं कमिट बनाऊँगा ना, ठीक है, पहले मैं कमिट बनाऊँगा। मैंने इस पर क्लिक किया, मैं नीचे दिख रहा है मुझे कि क्या कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड देन मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के करके मैं कहूँगा कि यार आई हैव क्रिएटेड अ जे एस फाइल, और मैं इसको कमिट कर दूंगा, राइट। अभी मैंने पुश नहीं किया ना, उसमें पुश का बटन आ रहा था, पुश का बटन इसलिए नहीं आ रहा था कि वो रिमोट पे गया नहीं अभी तक ब्रांच। अच्छा, अब मैं जब लॉग्स में जाके देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है, और वो चेंज क्या देखने को मिल रही है कि पहले यहाँ तक था और अब ये यहाँ पे आ गया है। अच्छा, यहाँ पे अभी मेरे पास ना मेन ब्रांच जो है वो शो होना बंद हो गई है, जो मेन ब्रांच थी ना वो शो होना बंद हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मेन ब्रांच भी शो हो, तो ये वाली जगह पर आप गौर करें, यहाँ पे चेक लगाता हूँ मैं इस पर और चेक लगाता हूँ मैं इस पर, तो ये दोनों ब्रांचेस मुझे शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन पे भी मैंने चेक लगा दिया, सारी ब्रांचेस मैं देखना चाह रहा हूँ स्ट्रीम। अच्छा, ये चेक अनचेक का ऑप्शन यहाँ पे इस वजह से मौजूद है क्योंकि समटाइम ब्रांचेस आपकी 300-400 ब्रांचेस तक भी हम पहुँच जाते हैं बड़े कोड में, तो इतनी सारी ब्रांचेस मोस्टली मैं देखना नहीं चाहता, मैं 2-3 देखना चाहता हूँ जिसका मेरे से ताल्लुक है, तो इसलिए यहाँ पे चेक अनचेक का ऑप्शन है। फिलहाल मेरे पास अभी 2 ही ब्रांचेस है तो नॉट अ बिग डील। अब आप नोट करें कि जो मेन ब्रांच थी वो अभी इस जगह पर मौजूद है और जो मेरी ब्रांच थी पर्सनल इंजमाम ब्रांच जो थी वो अब आगे निकल चुकी है, उसके अंदर एक मजीद कोड ब्लॉक कुछ पुश हो चुका है। अच्छा, अब मैं लिहाजा क्या करता हूँ, अच्छा ये देखें मैं ये काम कर रहा हूँ, अब मेरे साथ जो कुलीग है वो भी क्या कर रहा है, वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो मैं वापस मेन पे जाता हूँ और मेन पे जाके कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो कुलीग था उसने कुछ ना कुछ काम किया होगा और उसको मेन पे डाल चुका है वो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लिहाजा मैं मेन पे जाता हूँ, ठीक है, चेकआउट करता हूँ, तो मैं इस वक्त कहाँ आ चुका हूँ, मैं यहाँ पे देखें मेन शो हो गया, यहाँ पे भी मेन शो हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि यार मेन ब्रांच जो थी ना वो यहाँ पर अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ, किसी बंदे ने इस ब्रांच में कुछ मजीद कोड पुश किया है, ये सीधा जा रहा है और मैं यहाँ से साइड पे हो चुका हूँ, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई चेंज करूँ या ना करूँ, यहाँ पे मैं कोई चेंज करूँ या ना करूँ, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि यार दूसरी ब्रांच वाला एक आगे जा चुका है। अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि मैं इस ब्रांच को अपने पास ले लूँ तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है, दैट वुड कॉल मर्ज, दो ब्रांचेस को मर्ज करना, ठीक है, या उसको पुल भी कहते हैं कि किसी ब्रांच को मैं अपने पास पुल कर रहा हूँ। अच्छा, जिसके लिए प्रॉपर तरीका ये होता है कि हम पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे अब मेन ब्रांच को कोई एक बंदा देख रहा हो, जैसे बैकएंड को अभी मैं देख रहा हूँ मेन ब्रांच को, ठीक है, तो मेरे साथ जो कुलीग होगा वो क्या करेगा, वो अपने नाम से एक ब्रांच बनाएगा, उसमें कुछ कोडिंग करेगा, और वंस वो कोडिंग कर लेगा तो मुझे वो पुल रिक्वेस्ट देगा। जब वो पुल रिक्वेस्ट मुझे देगा तो पुल रिक्वेस्ट ये github.com का फीचर है, ये गिट का फीचर नहीं है, याद रखें, ये github.com का फीचर, पुल रिक्वेस्ट मुझे देगा, मैं उसको जस्ट एक्सेप्ट करूँगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, तो बट उसको हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, हम दो ब्रांचेस बना के दोनों में अलग अलग कोडिंग करने जा रहा हूँ मैं, तो मेन पे मैं क्या कर देता हूँ, कुछ और फाइल बना देता हूँ। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यार मैं यहाँ पे, अच्छा आप नोट करें जैसे मैं मेन पे आया हूँ ना तो वो फाइल गायब हो गई है जो मैंने अपनी ब्रांच में बनाई थी, राइट, वो फाइल मुझे नज़र नहीं आ रही है। मैं वापस अगर जाऊँगा ना इधर इंजमाम वाले पे, मैं इंजमाम वाले पे डबल क्लिक करूँगा, चेकआउट करूँगा, तो ये फाइल वापस आ जाएगी, ये जेएस की फाइल थी ना जो मैंने बनाई थी,
ये वापस आ गई। तो ये दो अलग अलग ब्रांचेस, ये फिजिकल ब्रांचेस हैं आप समझ लें। अच्छा मैं वापस वेल मेन पे चला जाता हूँ, मैं वापस मेन पे चला गया और मेन पे जाके मैं कुछ फाइल बना देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि यार अवेस डॉट जे एस, कि जी अवेस ने कुछ, ये अवेस बना रहा है इसके ऊपर फाइल, ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, अवेस कोडिंग, सही है, कोडिंग्स, अवेस ने कुछ यहाँ पे कोड लिख दिया और सेव। अच्छा, और इसको मैंने कर दिया सेव, मैं वापस आता हूँ और अवेस ने ये कोड लिख दिया और इसको क्या कर दिया, कंट्रोल के करके, और आई एम अवेस, आई हैव कंप्लीटेड दिस फीचर, ठीक है, इसने कोई फीचर बना रहा था उसने वो कंप्लीट किया, ऑब्वियसली उसका कोड है, और मैंने कमिट बना दिया। अब कमिट बनाने के बाद मैं अगेन जाता हूँ कहाँ पर, लॉग्स में, तो अब आप देखें ये बकायदा क्या हो चुका है, बकायदा यहाँ पे दो ब्रांचेस हो चुकी हैं, एक ये जा रहा था सीधा, ये वाइट वाला, ये है मेन ब्रांच, ठीक है, और मेन ब्रांच इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और इसके अंदर ये कमिट है। अच्छा, इसको ना ये डायनामिकली ज़रा आगे पीछे भी करता है, तो अब देखें मेरी ब्रांच को ना, जो मेरी पर्सनल ब्रांच मैंने निकाली थी इंजमाम के नाम, उसको साइड पे कर दिया इसने। अच्छा, ओरिजिन इस जगह पे मौजूद है, ओरिजिन पे ना ये वाली कमिट गई है ना ये वाली कमिट गई है, ओरिजिन पे कुछ भी नहीं गया अभी, ठीक है, तो मे बी मैं इन दोनों को ओरिजिन पे भेज दूँ। इन दोनों को ओरिजिन पे भेजने का तरीका क्या होगा, मैं जस्ट जाऊँगा पुश का बटन दबाऊँगा तो वो पुश हो जाएगा, लेकिन पुश कौन सा वाला होगा, जिस ब्रांच पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ वो पुश होगा। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं मेन ब्रांच पे मौजूद हूँ, तो जब मैं पुश करूँगा ना तो एक्चुअली क्या होगा कि मेन ब्रांच में जो कमिट्स मौजूद हैं वो पुश होंगी सिर्फ, बाकी पुश नहीं होंगी। याद रखें, जिस ब्रांच के ऊपर आप मौजूद होते हैं आप सिर्फ उन उस ब्रांचेस में चेंज कर सकते हैं, जिसके ऊपर ब्रांच के ऊपर आप मौजूद नहीं हैं उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। जब तक, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, जब आप कोई भी चेंज करते हैं गिट के अंदर, तो ये चेंज सिर्फ और सिर्फ उस ब्रांच में आता है जिस ब्रांच पर इस वक्त आप चेकआउट हैं। वंस आप दूसरे ब्रांच पर चेकआउट कर गए, मिसाल के तौर पर मैं मेन की ब्रांच पर चेक इन हूँ, मैं ठीक है चेकआउट हूँ मैं मेन के ब्रांच पे, तो मैं अभी जो भी एक्टिविटी करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ मेन ब्रांच के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा, चाहे वो रिमोट में पुश कर रहा हूँ, चाहे वो कोई कमिट कर रहा हूँ मैं, चाहे कोई चीज़ डिलीट कर रहा हूँ, वो सिर्फ मेन ब्रांच पे उसका इम्पैक्ट आएगा। तो मैं पुश का बटन दबाता हूँ, तो देखिए आप मेन ब्रांच कहाँ पहुँच जाएगी, मेन ब्रांच पहुँच गई ओरिजिन पे। आप नोट करें कि ओरिजिन और मेन अब इक्वल हो गए। अच्छा, इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, अब इंजमाम वाली ब्रांच पे जाता हूँ और इसको भी मे बी मैं पुश कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको पुश जब मैं करूँगा तो रिमोट के ऊपर इस नाम से कोई ब्रांच मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, इस नाम से ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, मैं पुश का बटन दबा के देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो आप देखें, अब दो ओरिजिन आ गया, ओरिजिन इंजमाम, ओरिजिन मेन, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे आके अगर देखता हूँ तो पहले ओरिजिन पे एक आता था, अब दोनों आ रहे हैं ओरिजिन पे, ठीक है। तो लोकल में मैं इंजमाम पे मौजूद हूँ, मैं मेन पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे शो कर रहा है कि इसके रिफ्लेक्शन में जो ओरिजिन पे है ना वो भी मेन ब्रांच मौजूद है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, जो अब असल बात है, देखें ब्रांचेस तो बन गई, दो लोग काम कर रहे हैं, दो अलग अलग ब्रांचेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे क्या करना होता है, कोड को किसी एक ब्रांच पे वापस लाना होता है, किसी एक ब्रांच के ऊपर मुझे उसको मर्ज करना होता है। तो ये मर्ज करके हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन एक करके उसके अंदर मज़ीद कवर करेंगे। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ पहले तो लॉग्स में, और मैंने देखा कि ये JS फाइल जो क्रिएटेड है ना, इसको मुझे मेन पे लेकर आना है। अच्छा, तो इस फाइल को मुझे मेन पे लेकर आना है, तो चेंज कहाँ पर आएगा, चेंज कहाँ पर आना चाहिए, मेन ब्रांच में चेंजेस करना चाह रहा हूँ मैं, यानी कि किसी ब्रांच से कोड उठा के मेन ब्रांच में लाके रखना चाह रहा हूँ। तो ये चेंज मैं एक्चुअली कहाँ लाना चाह रहा हूँ, मेन ब्रांच पे। तो इस काम को करते हुए मेरा मेन ब्रांच पे चेकआउट होना ज़रूरी है, अगर मैं मेन ब्रांच पे चेकआउट नहीं हूँ ना तो कुछ और गेम हो जाएगा फिर। अच्छा, तो मैं मेन ब्रांच पे इस वक्त चेकआउट हूँ, राइट। मैं अगर यहाँ पे आके देखता हूँ जो लोकल ब्रांचेस के अंदर, तो मैं इस वक्त मेन पे चेकआउट हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर चला जाऊँगा मैं, राइट। इसको डोंट शो कर देते हैं यार, बार बार ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं मेन पे चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने जो चेंज करना है, जो जो चेंज अकर होना है वो मेन के ऊपर होना है। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मैं वो जगह सेलेक्ट करता हूँ जिसको मैंने उठा के मेन पे दोबारा लाना है, ठीक है, यानी कि ये वाली कमिट यहाँ तक की। अच्छा, इसमें दो तीन चार कमिट मैं काम करता हूँ, दो तीन चार कमिट बना देता हूँ इसमें, ठीक है। ये जो मैं वापस इंजमाम पे जाता हूँ, एक्चुअली इंजमाम में ना सिर्फ एक ही कमिट है, तो शायद उस तरह से ये फील नहीं करा रहा, तो मैं इंजमाम वाले पे दोबारा जाता हूँ और इसमें मैं दो चार कमिट और भी बना देता हूँ, जो JS फाइल थी ना इसी में ही मैंने ये एक कमिट बना दी, एक और आ,
सही है, सेकंड कमिट, और ये मैंने बना दी एक थर्ड कमिट। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने क्या कर दिया, देखें ये जो सफ़ेद वाला है ना, ये है मेन ब्रांच जो शुरू से चल रहा था, यानी इनिशियली एक ही ब्रांच मौजूद थी, दैट वाज कॉल्ड मेन ब्रांच। तो इनिशियली एक ब्रांच थी, मैंने कहा कि यार ये मैंने दो फाइल क्रिएट की, मैंने गिट इग्नोर क्रिएट किया था और इस तरह करके एक ब्रांच चल रही थी। लेकिन इस पॉइंट पर जाके क्या हुआ, यहाँ से एक ब्रांच अलहदा हुई, ठीक है, इंजमाम ने अपनी अपने नाम का एक ब्रांच अलहदा किया, उसमें कुछ कमिट वगैरह वो कर चुका है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आके इंजमाम ने क्या किया, इंजमाम ने दिया है पुल रिक्वेस्ट मेन वाले को, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर था उसको एक पुल रिक्वेस्ट दिया है। तो अब मेन एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, वो क्या करेगा, वो इसको अपने पास पुल ले लेगा, यानी इसको मेन में मर्ज कर लेगा, ठीक है। मेन में मर्ज करते हुए होपफुली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अलग अलग फाइलों में काम किया गया है। अगर सेम फाइल में काम होता और सेम लाइन ऑफ कोड में अगर चेंज हो जाता तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होपफुली नहीं आएगा, क्योंकि दो लोग जो काम कर रहे थे, दो ब्रांचेस में जो काम हो रहा था, वो अलग अलग नाम था उन फाइलों का, अलग अलग फाइलों में वो काम हो रहा था। तो मैंने चेंज लेकर आना है मेन में, मैं इस वक्त मेन पे चेकआउट हूँ, इसके साथ ये एरो बना हुआ आ रहा है मेन के साथ, ठीक है, यहाँ पे भी मेन के साथ एरो बना हुआ आ रहा है, इट इंडिकेट्स कि मैं मेन के ऊपर हूँ। और थर्ड कमिट करके जो है ना मेरे पास, इसको मैंने पुल लेना है, तो मैंने इस कमिट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको मैंने किया मर्ज, सही है, मर्ज, ठीक है। मर्ज करते हुए हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी ब्रांच उठ के कहाँ जा रही है, ये कन्फ्यूजन हमेशा रहती है। तो इसके लिए मैंने आपको रूल ऑफ थंब ये बताया कि चेंज हमेशा उस ब्रांच में आएगा जिसमें आप इस वक्त चेकआउट हैं, ठीक है, और जो दूसरा जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो उठ कर आएगा आपके पास। तो मैंने जिसको सेलेक्ट किया हुआ है वो उठ कर आएगा, और मर्ज का बटन दबाते ही मेरे पास क्या होगा, ये ऑप्शन एक आ जाएगा, मैं कहूँगा क्रिएट मर्ज कमिट, कि भाई मर्ज करके ना उसका एक अलहदा से कमिट बनाओ आप, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ लेकिन वो मैं नहीं करूँगा, ठीक है, मैंने कहा मर्ज कमिट बनाओ आप। तो आप देखें क्या हुआ, ये यहाँ से ये कोड उठ के कहाँ, वापस मेन में चला गया, राइट। तो ये मर्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आप सब लोग, मेरी ख्वाहिश ये है और आप सब लोग इसको कोशिश करें कि कल से जो मजीद जो भी काम आप लोग कर रहे हैं, जाहिर है हर फ्रंट एंड पे भी दो लोग हैं, बैक एंड पे भी दो लोग हैं, तो कोई एक बंदा मेन को संभाल ले और जो दूसरा बंदा हो ना उसके साथ वो अपनी ब्रांच अलग बना के काम करें, और डेली उसको जो भी काम करें आप, वो उसको पुश तो कर दें लेकिन अल्टीमेटली एक फीचर कंप्लीट होगा, उसको वापस मर्ज करें आप, सही है। तो उससे ये मर्ज वाला कॉन्सेप्ट आपका जो है ना सेट हो जाएगा। मर्ज करने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, मर्ज यानी अलग ब्रांच बनाने से, एक्चुअली मर्ज करने से नहीं, अलग ब्रांच बनाने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो आपको वक्त के साथ साथ खुद ही समझ आ जाएगा जब आप अलग ब्रांच पे काम करेंगे तो, ठीक है। अच्छा, अभी जो ये मर्ज है, ये क्या हुआ है, ये लोकल मर्ज हुआ है अभी, क्योंकि मैंने कहा था कि मर्ज करते हुए कमिट बनाओ, तो मर्ज की जो कमिट बनी है इस वक्त, वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, मेरी मशीन में मौजूद है। आप नोट करें कि ओरिजिन की जो दो ब्रांच है, एक इंजमाम और एक मेन, यहाँ मौजूद है, ये यहाँ मौजूद है। इसके ऊपर का ये कमिट, ये कमिट, ये कमिट और वर्किंग ट्री, तो कोई कमिट नहीं होता, यानी अभी जो वर्क हो रहा है, तो एक दो तीन, ये तीन कमिट जो है इस वक्त क्लाउड पे गई भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वक्त मेन पे मौजूद हूँ, मेन पे रहते हुए मैं जैसे ही पुश का बटन दबाऊंगा तो ये मेन जो है ना उठ के, ये इस मेन के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पुश का बटन दबा दिया, ठीक है। तो ये मेन की जो ब्रांच थी ना, पूरी की पूरी क्लाउड पे पहुंच गई। मैं मुझे इस इंजमाम की ब्रांच को क्लाउड पे भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंजमाम वाला जो कोड था, जाहिर है वो अल्टीमेटली मेन में था और मेन क्लाउड पे जा चुका है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं इस ब्रांच को भी रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वापस इंजमाम वाली ब्रांच पर जाके, ठीक है। अब ये देखें, ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है मजीद, इसमें मैं तीन चार ब्रांचेज अगर बना के आपको दिखाऊँगा ना, तो बड़ा फैसिनेटिंग हो जाता है वो, और टर्मिनल पे तो इम्पॉसिबल हो जाता है वो, यहाँ पे जो है वो समझ आ जाता है कि क्या सीन है। अब देखें, यहाँ से मैं मज़ीद भी ब्रांच निकाल सकता हूँ, मैं इस सेकंड कमिट से भी मज़ीद ब्रांचेस निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं वेल क्या करने लगा हूँ अभी, कि मैं इंजमाम वाली ब्रांच पे आके मैं पुश का एक बार बटन दबाना चाहता हूँ। पुश का बटन दबाते ही क्या होगा कि यहाँ तक का कोड जो है ना वो क्या हो गया, पुश हो गया, ठीक है। अच्छा, अगेन अब क्या करेगा जी इंजमाम, इंजमाम मज़ीद सीधा सीधा कोड लिखता जाएगा और मेन जब जब चाहेगा उसको वो पुल लेता रहेगा अपने पास, ठीक है जी। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। एक दफ़ा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आम तौर पे ये ग्राफ जो है ना वो किस तरह का दिख रहा होता है। मैंने कहा कि स्मार्ट गिट ब्रांच लॉग, सही है, तो ये कुछ इस तरह से मोस्टली ये दिख रहा होता है, ठीक है।
ये ग्रीन वाला मिसाल के तौर पे ये इंजमाम का ब्रांच है, और ये येलो वाला ना ये मेन है, तो ये सीधा सीधा इंजमाम कोड करता जा रहा है, मेन टाइम टू टाइम इसके कोड को अपने पास पुल करता जा रहा है, ठीक है, मर्ज करता जा रहा है अपने पास, ठीक है। इस तरह का भी ये दिख रहा होता है कभी, आप देख रहे हैं ये ब्रांच इधर से उधर उधर से उधर घूम रही है ये, ठीक है। कॉम्प्लेक्स अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूँ तो वो ज़रा कॉम्प्लेक्स किस्म के भी आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। देखें ये पूरी टीम काम कर रही है। अच्छा, ये देख के फर्स्ट ग्लिम्स में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि यार इतने सारे टीम मेंबर और इतने सारी ब्रांचेस होंगी जब, ठीक है ना। आप देखें नंबर के नाम से ब्रांचेस बनाई हुई इन्होंने, तो ये देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। वंस यू गेट यूज टू इट ना, तो ये आपको आसान लगेगा, ठीक है। ये आप देखें कितनी सारी ब्रांचेज इन्होंने बनाई हुई थी, जिससे इन्होंने एक एक करके मर्ज लिया, यानी मिसाल के तौर पे 12-15 टीम मेंबर्स थे, वो अपनी अपनी ब्रांच बना के काम कर रहे थे, और मेन वाला जो बंदा था उसने क्या किया, वो टाइम टू टाइम वो तमाम ब्रांचेस से एक एक करके अपने पास कोड मर्ज किया, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा होता है, जैसे अनस भाई हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी इतनी बड़ी टीम नहीं है, हमारे पास एक छोटा प्रोजेक्ट है, लेकिन होपफुली इन फ्यूचर हमारे पास हो सकता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए, तो बैकएंड के ऊपर सिर्फ हमारे पास 15 के करीब अगर मेंबर्स होंगे ना, तो कुछ इस तरह का हमारा ये दिख रहा होगा लॉग्स का जो ट्री व्यू है, ठीक है जी। तो क्वेश्चंस अभी ले नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि टाइम ओवर हो गया हमारा, तो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लें, आप लिख लें अपने पास क्वेश्चंस, हम नेक्स्ट सेक्शन से क्वेश्चंस पहले शुरू करेंगे। चलें जी।